पांचवा क्लास में पढ़ने वाला 11 साल का बच्चा सोनू, जो नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के बिहार का शिक्षा व्यवस्था का कुव्यवस्था को उजागर कर दिया, वही सोनू पांचवा क्लास में पढ़ता था और इन सभी बच्चों को पढ़ाता था। सही है? Yes. सही है? Yes. पढ़ाता था ना बच्चा वो तुम लोगों को? Yes, sir. अच्छा, तुम ज्यादा लंबा हो कि सोनू ज्यादा लंबा है? हम लंबा। हम लंबा है। ये देखिए, अपने से लंबा बच्चा को भी सोनू पढ़ाता था। अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों तो पांचवा तक के बच्चे को पढ़ाता था और सरकारी स्कूल के आठवां क्लास के बच्चों को भी वो पढ़ाता था। अच्छा, तुम लोगों से हम एग्जाम लेंगे और एग्जाम लेने के बाद तुम लोगों को कॉपी देंगे। एग्जाम लेने के बाद हम तुम लोगों को सभी को एक एक कॉपी देंगे। तैयार हो एग्जाम देने के लिए? तैयार हो? सभी को एक एक कॉपी देंगे। मोटा वाला कॉपी है, क्लासमेट का कॉपी है, सभी को देंगे। तैयार हो? यस। 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 अच्छा सोनू, तुमको पढ़ाता था? जी। अच्छा, क्या क्या सीखे हो तुम? क ख ग घ ए बी सी डी 1 2। पढ़ा कहाँ तक सीखे हो? 19 का तक। 19 तक? जी। 19 तक सीखे हो? खड़ा हो जाओ। 19 तक तुमको पढ़ा सिखा दिया है? जी। सुनाओ तो 19 का। 19 का ना है, ना दुनिया ती, ना तो संतावन, ना तो छियातर, ना 55, ना 46, ना 37, ना 82, ना 91, ना 92। ताली बजाइए आप लोग, सभी लोग जियो। अरे सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों, लानत है तुम लोगों पे कि पांचवा क्लास में पढ़ने वाला सोनू नाम का 11 साल का बालक जो है इन बच्चों को जब काबिल बना सकता है तो तुम लोग भी बना सकते थे इन बच्चों को काबिल, लेकिन तुम लोग जानबूझ के सरकार के इशारे पे गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हो कि कल ये बच्चा जो है जाके पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करे, क्योंकि तुम लोग चाहते हो कि बिहार के गरीब का बच्चा मजदूर बने और जिंदगी भर मजदूरी करे। वरना हमारा ये बच्चा देखिए, ये भाई देखिए, कितना साल उम्र है तुम्हारा? 6 साल उम्र है जी। देखिए, अरे डर मत, पूरा बिहार हम लोगों का है, चिंता मत कर, समझा ना। क्या नाम हुआ तुम्हारा? करण कुमार। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा आता है? एक कतला कखगा 1 2 ABCD। ABCD सुनाओ, खड़ा होके सुनाओ। दिखा रहे हैं तुम लोगों की कुव्यवस्थाओं को, और देखो उस जगह पे बैठ के दिखा रहे हैं जहाँ पे एक बच्चा जो है ना नीतीश कुमार जी को अपनी सारी समस्याओं को दिखाया तो पूरे बिहार के लोगों को लगा कि हाँ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही में लचर है। चलो बताओ, ABCD सुनाओ। ABCD जोर से, एफ और जोर से सुनाओ, सुनाओ। तुम्हारा ABCD जो है ना, बिहार के सभी नेता सुन रहे हैं, सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ। चलिए, एक जगह गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ताली बजाइए। और आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि जब तक जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा, आपका बेटा मजदूर बनते रहेगा, और जब काबिलियत के नाम पे वोट दीजिएगा, इस सारा बचवा जो है ना बिहार में सबसे लंबा छलांग लगाएगा सब, इस सारा बच्चा IAS IPS बनेगा सब, सारा बच्चा जज बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन आप लोगों को भी कसम खाना होगा, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य जो है आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। सारा बच्चा काबिल है सब, सारा। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजू। कहाँ तक पढ़ा, याद है? दुका तक। और ABCD? ABCD याद है? कख ग घ सुनाओ तो। यार ला वा, या ला वा, तलंच बुदानिच डंडिच हा छा दिया। चलिए ठीक है, एक दो जगह गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, और कौन कौन आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखिए, ये भारत के पूंजीपतियों का बच्चा नहीं है सब, ये सब ना ही भारत के नेताओं का बच्चा है सब, ये भारत के गरीबों का बच्चा है सब, जो नेताओं का भी भविष्य बनाता है सब और भारत के पूंजीपतियों का भी भविष्य बनाता है सब, लेकिन ये सब के गार्जियन के लापरवाही की वजह से ये सब का भविष्य नहीं बनता है। बिहार के गार्जियन आप लोगों को सुधरना होगा, जिस दिन आप लोग सुधर जाएंगे बिहार का सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विजय। विजय, जीतना है ना तुमको, जीतना है। कहाँ तक पढ़ा याद है तुमको? सात तक।
सात का सुनाओ तो जोर से सुनाना, पटना तक सुनाई देना चाहिए, विधानसभा में बैठे नेता सुनेंगे तुम्हारी बातों को, जोर से सुनाओ। सबका साथ, सदुनी चौदह, सत इक्कीस, सत चौथाईस, सत पच पैंतीस, छ छक्का बयालीस, सत्रह उनचास, सत्याथी छापन, सतमा तिरसठ, सोलह सत्तर। चलिए ताली बजाइए। और बिहार विधानसभा में बैठे शिक्षा मंत्री, देखिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा अगर सहारा मिल जा रहा है बिहार के काबिल बच्चों को, तो ये सहारा जो है ये सबसे ऊंचा लंबा छलांग लगा दे रहे हैं। और भारत के जितने भी बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि ये गरीबों का बस्ती है, इस बस्ती का नाम है पासवान बस्ती, पासवान टोला ना, पासवान नगर, आइए यहाँ पे। सरकार ने स्कूल नहीं खोला है, एक आप लोग कम से कम स्कूल खोलिए ताकि इन बच्चों का भविष्य बने। ये देखिए बच्चा है, बच्ची है, सब है। क्या लिख रही है बाबू तुम, क्या 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 आता है तुमको? सत का तक आता है। चलो ठीक है, एबीसीडी सुनाओ, खड़ा होकर सुनाओ। चलिए देखिए इस बच्ची का हिम्मत और हौसला, और इतना जोर से सुनाना है ना कि बिहार विधानसभा में बैठे सारा नेता सब सुने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ताली बजाइए। हाँ, महिला का विकास करोगे तुम लोग, लड़कियों का विकास करोगे, करो ना इन बच्चों का विकास, इनका अधिकार नहीं है क्या? है कि नहीं है अधिकार? और आइए सभी मीडिया वाले यहाँ पे भी आइए, क्योंकि सोनू इन बच्चों को पढ़ाता था, ये सारे बच्चे काबिल हैं। और ये यही बच्चे नहीं, बिहार के हर एक गांव के हर एक बच्चे काबिल है, और हर एक बच्चों के लिए आवाज उठाना होगा। शिक्षा व्यवस्था अगर बिहार का सुधर जाए तो शायद जो है बिहार का हालात सुधर जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? लेकिन हम हैं जादो जी, हम हैं भूमियार जी, हम हैं पंडित जी, हम हैं पासवान जी, और हमारे जाति का नेता आता है कान में बोलता है कि अब किदा हो जाति के वोट ना देवा, तो मोच के सवाल बा। इन बचवा सब का मोछुआ दिख रहा है तुम लोगों को, इनके गार्जियन का दिख रहा है, इनका भविष्य कौन बनाएगा? नेता का भविष्य बनाएगा बिहार का गरीब, उनके बेटा का भविष्य बनाएगा बिहार का गरीब, इस देश के अमीर पूंजीपतियों का भविष्य बनाएगा बिहार का गरीब, फिर बिहार के गरीबों का भविष्य कौन बनाएगा? ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये सवाल बार बार मैं करूंगा। अरे जाति के नाम पे इनके जाति के भी नेता विधानसभा में हैं, इन सभी बच्चों के जाति के नेता हैं विधानसभा में, आए ना यहाँ पे, पाँच पाँच गो गाँव को सुधार दीजिए, एक एक विधायक पाँच पाँच गो गाँव को सुधार दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि पूरा बिहार सुधर जाएगा। लेकिन एक गो विधायक सिर्फ पाँच गो गाँव को तो सुधारे तो सही, और एक विधायक पाँच गाँव को पाँच पंचायत को नहीं सुधार सकता है, तो उसको आप लोग वोट मत दीजिए, क्योंकि 243 विधायक है, पाँच पाँच गो को सुधारेंगे तो कैलकुलेटर निकाल के 243 × 5 करना पड़ेगा हमको, समझे? कम से कम 1100 से ऊपर गांव में सुधार हो जाएगा, और 5 साल में 1100 गांव, फिर अगला 5 साल में 1100 गांव, सही है कि नहीं है? लाइए सारा कॉपी लाइए, आइए आइए। अब इन बच्चों को दिया जाना चाहिए कि नहीं कॉपी? और भी लाऊंगा तुम लोगों के लिए, चिंता मत करो। और तुम्हारे गांव में जितने बच्चे हैं, जितने जितने बच्चे हैं तुम्हारे इस बस्ती में, उन सब के लिए लाऊंगा, और हर बार लाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम लोगों को पढ़ना है, पढ़ना है, और जोर जोर से। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जो है अब तुम्हारे लोगों की समस्याओं को दिखाएंगे, और बोलना है, और तुम लोगों की बातें जो है ना विधानसभा में बैठे नेताओं के कानों में गूंजनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ, कम यार, क्या नाम हुआ तुम? चलो लंबा छलांग लगाना है, गिरना है फिर उठना है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? दीकू कुमार। अच्छा क्या क्या आता है तुमको? ABCD 1 2 पहाड़ा। अच्छा तुम्हारे गली वली में लोग दारू पीते हैं कि नहीं? नहीं पीते हैं ससुरा, हमको कल लोगों ने बताया था। गार्जियन से भी विनती करना चाहता हूँ कि जो लोग दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, कम से कम छोड़ दीजिए आप लोग। यहीं के लोगों ने मुझसे शिकायत किया था, छोड़ दीजिए प्लीज, विनती है आप लोगों से, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं चाचा? गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट दारू सब छोड़ देना है, तब जाके हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। चलो ABCD सुनाओ और जोर से सुनाओ। कहाँ तक सुनाई तुम्हारा आवाज जाना चाहिए? पटना तक।
ठीक है सुनाओ जोर से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए एक जगह गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सुधारेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ, तुम एग्जाम देने से डर रही थी, तुम आओ अब, आओ आओ। ये बार बार जैसे पूछ रहे थे एग्जाम दोगी तो भाग जा रही थी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रिया कुमारी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। रिया कुमारी। सभी लोगों को सुनाई देना चाहिए, रिया कुमारी। हाँ चलो ठीक है, क्या क्या आता है तुमको? एबीसीडी कखा गगा वन टू पहाड़ा। पहाड़ा कहाँ तक आता है? बरका तक। क्या था? बरका तक। बारह तक, बारह, बारह का सुनाओ। जोर से सुनाना, सबको सुनाई देना चाहिए। बड़का बारह, बारह दून चौबीस, बढ़ते छत्तीस, बारह चौतालीस, बारह पचास साठ, बच्चा का बहत्तर, बच्चा का चौरासी, बच्चा का छियानवे, बारह सत्तर, बारह अठहत्तर, बारह का बीस। चलिए ठीक है, बजाइए ताली इस बच्ची के लिए। और सभी बच्चों से एग्जाम बार बार लिया जाएगा, याद रखना, बार बार। और सभी लोग, इतने लोग खड़े रहेंगे, गड़बड़ करोगे तो समझ जाना तुम लोग, समझे ना। चलो ए तुम आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सत्यम। क्या? सत्यम। अच्छा सत्यम नाम है। अच्छा क्या क्या आता है तुमको बताओ? कख कख आता है? अच्छा एक एक दो गिनती नहीं आता है? चलिए ठीक है, तुमको भी सिखाएंगे हम लोग धीरे धीरे। चलिए क्या, किसका? इसका, इसका, आ जाओ 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 आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, दोनों आओ, हाँ आओ 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 आ जाओ आ जाओ, इधर खड़ा हो, एक इधर एक इधर एक इधर, बाबू इधर। हाँ क्या क्या आता है तुमको? चलो सुनाओ, क ख ग सुनाओ। का खा गा गा अंगा चा छा जा जा टवर बिन पा फा बा बा मा या रा ला ओबा तालम्स बुदानिस डानिस हा छा त्र ग्या। तुमको क्या क्या आता है? क ख ग आ बी सी डी 1 2। पहाड़ा कहाँ तक आता है? दुक्का तक। अच्छा एबीसीडी सुनाओ, जोर से सुनाओ, जोर से बोलना है। ए, और जोर से। ए बी सी डी ई। इतना बड़ी हो गई हो, बताओ। एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर आ एस टी W X Y Z। चलिए ठीक है, इन दोनों के लिए ताली बजाइए, गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। एग्जाम लेंगे फिर से, फिर से एग्जाम लेंगे, याद रखना तुम लोग, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं इनके गांव में बार बार नहीं आ सकता हूं, और मुझे ये भी पता है कि मैं पूरे बिहार के गरीब बच्चों का समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूं। थोड़ा सा तो करने का प्रयास कर सकता हूं ना, तो थोड़ा हम करें, थोड़ा आप करें, तब ना जाके बिहार थोड़ा थोड़ा करके सुधरेगा, सही है कि नहीं? लो बाबू, लो, पढ़ाई करोगे ना तुम लोग? पढ़ाई करोगे ना? ले 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 ले। चलो लो लो लो, नहीं दूर होने देना है शिक्षा से इन बच्चों को, क्योंकि ये दूर हो जाएंगे तो मजदूर बन जाएंगे, और बिहार की माताएं बहनें कब तक मजदूर पैदा करती रहेंगी? ये सवाल जो है ना बहुत बड़ा है। बस ये लो बाबू, अब हमारे जो भाई हैं, जो बिहार के बच्चे हैं ना, वो मजदूरी नहीं करेंगे, बस इसके लिए सबको जो है प्रण लेना पड़ेगा। लो लो बैठ, देखिए कितना ईमानदार बच्चा है, देख लीजिए, जरा सोचिए। ये बच्चा सीधे बोला कि हम नहीं पढ़ते हैं, ये चाहता तो लालच में कॉपी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। आ जाओ जाओ बच्चों, आओ आओ बाबू, आ जाओ आ जाओ, बैठ 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 बैठ। ये होता है गरीबों की ईमानदारी, देख सकते हैं, देखिए। आ जाओ तुम भी बैठो 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 बैठो, ले लो ले लो लो लो, आ जाओ लो, एक और दीजिए।
हम देंगे, सबको देंगे। बच्चा पढ़ने वाला है, हाँ चलिए, हाँ पढ़ो पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, वही बढ़ेगा और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। नेता लोगों का भाषण नहीं सुनना है, पढ़ाई करना है। लो आ जाओ, अपना टाइम, अपना टाइम, अपना टाइम, अपना टाइम, अपना टाइम, ये लो। और सभी लोगों को कॉपी दिया हूँ, दिया हूँ ना, सभी लोगों को पहले पन्ना पे लिखना है, पहले पन्ना पे क्या लिखना है, पहले पन्ना लिखना है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। क्या लिखना है, नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। क्या लिखना है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। क्या लिखना है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और पहले पन्ना पे लिखना है, पहले पन्ना पे सब किसी को लिखना है, सभी किसी को, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अगली बार आऊंगा तुम लोगों का कॉपी चेक करूंगा, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़े लिखे होगे और ये बात लिख के रखे होगे पहले पन्ना पे, तो मैं फिर से कॉपी दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या लिखना है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा, ठीक है। सिर्फ लड़की को, हाँ लो, सिर्फ लड़की को, अगली बार तुम लोगों के लिए भी लेके आएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी अगली बार लेके आएंगे, लड़की थोड़ी है तू, ये ले। अरे दो को कम हो गया, दोनों को दे देते, चलिए ठीक है, अगली बार और भी पेन और कॉपी लेके आएंगे और प्रयास करेंगे बदलने का। हम लोग सक्षम लोग हैं, अगर हल्का हल्का प्रयास करें तो बिहार के सक्षम लोग ही बिहार का हालात बदल सकते हैं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और उम्मीद है कि और भी मीडिया वाले यहाँ पर आएंगे और इस दृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है एक ही जगह से ही कुछ तो बदलाव होगा। शिक्षा के साथ साथ धरती को भी बचाना जरूरी है, और पेड़ को लगाना है, ठीक है, ये अमरूद का पेड़ है, ठीक है ना बाबू, और पेड़ को कैसे लगाना है, इस पन्नी को फाड़ के, ठीक है, और कोई भी जानवर जो है इसका पत्ता नहीं चरना पाए, ठीक है ना, जानवर अगर खा जाएगा तो तुम अमरूद नहीं खा पाओगे, ठीक है, तो पेड़ को लगाना है, ठीक है ना, और जानवर से बचाना है, और पानी भी डालना है, ठीक है ना, पानी पानी डालोगे ना, हाँ। जानवर से बचाओगे ना पेड़ को, जी। चलो ठीक है, ये मिशन नूरसराय, मिशन हरियाली नूरसराय के सभी सदस्य हैं, पेड़ को कितना क्या पौधा वहाँ से ले गए हैं, कौन बोला, देखिए ये देखिए देखिए देखिए, इसको एक पौधा ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, तो बोल रहा है कि भैया हम एक पौधा ले चुके हैं, जरा सोचिए, ये है बिहार के गरीबों की ईमानदारी और मासूमियत, जरा सोचिए, बदलिए ना इस बिहार को, और कौन बदलेगा, हम और आप बदलेंगे, नेता थोड़ी बदलेंगे, पूंजीपति थोड़ी बदलेंगे, नेता जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे, और पूंजीपति सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का प्रयास करेंगे, और हम और आप जो है पूरे बिहार को बदल सकते हैं, सही है, ईमानदार बनना, ईमानदार अधिकारी बनना तुम लोग, ठीक है ना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।